दिल्ली में तबलीगी जमात के मामले के सामने आने के बाद कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। दिल्ली में भी कोरोना के मरीजों की संख्या 500 के पार चली गई। दिल्ली पुलिस अब इन लोगों को ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही। दिल्ली पुलिस के स्पोक्स पर्सन MS रंधावा ने भी दिल्ली वासियों से इस बात की अपील करते हुए कहा है कि अगर आपके आसपास कोई इस तरह का संक्रमित व्यक्ति दिखे तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दे। सुनिए MS रंधावा ने क्या कहा। तमाम जो दिल्ली के हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, उनको अपील करना चाहूँगा कि कोई भी कोविड सिम्टम वाला उनके पास पेशेंट आता है, उसकी तुरंत वो दिल्ली पुलिस और जो कोविड ऑथराइज्ड हॉस्पिटल्स हैं, बेसिकली के जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड हॉस्पिटल हैं जिनमें कोविड पेशेंट्स की ट्रीटमेंट और उनकी टेस्टिंग होती है, उनको ज़रूर इन्फॉर्म करें और साथ साथ दिल्ली पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें। ऐसा कुछ केसेस में देखा गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इन्फॉर्म, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। इन केसेस में ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स माना जाएगा और जो इसकी वायलेशन करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी दिल्ली पुलिस द्वारा। इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूँगा कि तमाम जो दिल्ली वासियों हैं इनको भी अपील करना चाहूँगा कि मान लीजिए किसी को भी कोविड-19 के सिम्टम्स हैं या कोई इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो आप दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन 112 दिल्ली पुलिस के साथ शेयर करें। अगर आप नहीं शेयर करते तो ये भी एक कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स माना जाएगा और बाद में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि 1 मार्च के बाद जो भी मरकज़ निज़ामुद्दीन में आए हैं, लोग आए हैं, वो अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन जहाँ जो गवर्नमेंट हेल्पलाइन या हेल्थ डिपार्टमेंट को ज़रूर इन्फॉर्म करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये भी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स माना जाएगा और जो इसकी वायलेशन करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस तरह के इंसान को छुपाना, उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग या पुलिस को ना देना एक जुर्म है और इस तरह की जानकारी को छुपाने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आपके आसपास भी कोई इस तरह का इंसान है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें। तमाम जो दिल्ली के हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, उनको अपील करना चाहूँगा कि कोई भी कोविड सिम्टम वाला उनके पास पेशेंट आता है, उसकी तुरंत वो दिल्ली पुलिस और जो कोविड ऑथराइज्ड हॉस्पिटल्स हैं, बेसिकली के जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड हॉस्पिटल हैं जिनमें कोविड पेशेंट्स की ट्रीटमेंट और उनकी टेस्टिंग होती है, उनको ज़रूर इन्फॉर्म करें और साथ साथ दिल्ली पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें। ऐसा कुछ केसेस में देखा गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इन्फॉर्म, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। इन केसेस में ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स माना जाएगा और जो इसकी वायलेशन करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी दिल्ली पुलिस द्वारा। इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूँगा कि तमाम जो दिल्ली वासियों हैं इनको भी अपील करना चाहूँगा कि मान लीजिए किसी को भी कोविड-19 के सिम्टम्स हैं या कोई इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो आप दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन 112 दिल्ली पुलिस के साथ शेयर करें। अगर आप नहीं शेयर करते तो ये भी एक कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स माना जाएगा और बाद में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि 1 मार्च के बाद जो भी मरकज़ निज़ामुद्दीन में आए हैं, लोग आए हैं, वो अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन जहाँ जो गवर्नमेंट हेल्पलाइन या हेल्थ डिपार्टमेंट को ज़रूर इन्फॉर्म करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये भी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स माना जाएगा और जो इसकी वायलेशन करेगा उसके खिलाफ कानूनी, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।